शादी में जाओ ना। जैसे विजय का नाम का अर्थ क्या होता है? जीत, पवन का वायु है, योगेश का बलहारी, रतन का अनमोल, ऐसे ही कृष्ण, कृष्ण के नाम का मतलब आपको पता है क्या होता है? कृष्ण के नाम का मतलब क्या होता है बताओ? कृष्ण मतलब सबसे ज्यादा, कृष्ण यानी सबसे ज्यादा, और ल यानी आनंद, कृष्ण यानी सबसे बड़ा आनंद। हम उस आनंद के छाया में बैठे हैं ईमानदारी। Yeah.
सजन चंदन बात कितनी सुंदर कितनी गहरी है। तेरी मुरली मेरे काना गजब ये ऐसा करती है, तेरी मुरली मेरे काना गजब ये ऐसा होता है, तेरी मुरली मेरे काना गजब ये कैसा करती है। अरे हम सब भी आज पी रहे तेरी मस्ती के प्याले, और नजर तुझे कहीं लग ना जाए ओ मुरली, नजर तुझे कहीं लग ना जाए ओ मुरली। देखो अगर वाकई में नजर नहीं लगानी है तो ईमानदारी से चोरी मत करना, आज इस दरबार में एक भी हाथ पंडाल में नहीं, दोनों हाथों को खड़ा ईमानदारी से और कहो नजर तुझे कहीं लग ना जाए।